हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है काव्य बी चैनल में। तो आज थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में बात करना चाह रही हूँ। तो आज मैं मोनू ऑफिशियल के बारे में बात करना चाह रही हूँ, और मोनू को बहुत सारी बधाई हो उसकी बसंती के लिए। और दूसरा है उसकी उसका घर बन गया, उसकी बहुत सारी बधाई हो। और मोनू आज इतना खुश है कि उसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बोली कि मोनू को भी बधाई दे देते हैं। क्योंकि मोनू आज जो भी कुछ है, आज अपनी मेहनत और लगन और जो भी चीज़ यानी करता है, अपनी मेहनत से ही हासिल की उसने। तो आज उसने अपनी मेहनत से अपनी बसंती को लेकर आया। तो आप बसंती, शोले वाली बसंती मत समझिए, उसकी गाड़ी का नाम है बसंती। जो ने न्यू स्कूटी खरीदा है उसको वो बसंती बोलता है, इसलिए मैंने भी उसका नाम बसंती रखी हूँ। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब मोनू ने गाड़ी, न्यू गाड़ी खरीद कर लेकर आया, और उनकी मम्मी ने उसकी पूजा भी की और बहुत अच्छे से, यानी कि मम्मी और वो जो उनके में गमछा यानी कि बोले, उनने उस गाड़ी की बहुत अच्छे से पूजा करी। मम्मी ने पैर धुलाई, फिर उसका टीका करी, फिर उसके बाद में उसको अगरबत्ती लगा के पूजा की, और फिर उसका यानी अंदर उसको प्रवेश की। और मोनू इतना खुश था कि उनके भैया भाभी की दुकान से फिर चॉकलेट खरीदा, और जो भी बच्चे थे उनको यानी चॉकलेट बांटा। और इतना खुश था, इतना खुश कि उसकी खुशी उससे संभल ही नहीं पा रही थी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो यदि खुद के मेहनत से यदि कोई चीज़ पाता है तो उसकी खुशी ही अपने चेहरे में नज़र आ जाती है। तो वैसे ही मोनू के चेहरे में भी उसकी खुशी नज़र आ गई, इसलिए मैंने बोली कि उसको मैं थोड़ी अपने तरफ से बधाई दे देती हूँ। तो मोनू भाई, आपको बहुत सारी बधाई हो। और अब मम्मी को लेकर मोनू गाड़ी पे बाजार मार्केट वगैरह लेके जाना, और हम आपके यूट्यूबर हैं इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है आपको बधाई देने के लिए। इसलिए हमारे तरफ से बहुत सारी आपको बधाई हो, और आप हमेशा खुश रहो और हमेशा सबका ख्याल रखते हो और हर किसी की मदद भी करते हो, इसलिए हमको बहुत पसंद है। और आप जो बोलते हो, आप यानी जो जल्दी जल्दी बोलते हो, उससे यानी आपको कोई भी देख के आपसे प्रेम करने लगेगा। क्योंकि आप जो इतनी अच्छी बातें करते, इतने अच्छे से बोलते हो, हर किसी को समझते हो। और आपको मैंने एक ब्लॉग आपका वो देखी थी जो आप सावित्री की शादी में आए थे, तब मैंने आपको देखी थी। तो आपने जितने भी गिफ्ट खोले उसमें आपको राधा कृष्ण, राधा कृष्ण की ही मूर्ति फोटो मिली। तो आपको भी आपकी राधा जरूर मिलेगी। ये आपकी दीदी के तरफ से आपको अभी से ही बधाई देते हैं। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखना, और यदि पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और आप ये थोड़ा सा देखिए इसकी क्लिप, जो मोनू की गाड़ी जब आई तो मोनू कितना खुश था। और वो भी क्या कलर का है, आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज वो सपना मेरा पूरा हो रहा है जो मैंने सपनों पे भी मैंने नहीं देखा था, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी दिन मैं स्कूटी लूंगा। फाइनली मेरा मेहनत रंग लाया, जनता का प्यार, ईश्वर का कृपा और मेरा कड़ी मेहनत रंग लाया है। मैंने पैसा इकट्ठा किया सोर्स वगैरह करके, यूट्यूब से, आप लोग के थ्रू से, तो मैंने इकट्ठा करके मैंने फाइनली स्कूटी खरीद लिया है मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए एंड माय मम्मी के लिए। तो बहुत इतना अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे लिया है सिंदूर, आप देख सकते हो, और यहाँ पे अगरबत्ती, और ये है गमूसा, और यहाँ पे पानी, और यहाँ पे 2-3 फूल। क्योंकि हम लोग का नियम होता है घर में अगर कोई नया मेहमान आते हैं, ऑन द स्पॉट कैश दे के फर्स्ट हैंड डायरेक्ट लेंगे, ब्रांड न्यू वाला स्कूटी लेंगे बोल के कभी भी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा सपना पूरा हो गया है। थैंक यू ईश्वर यार, थैंक यू सो मच। ये देख, नया स्कूटी आ चुका है, नंबर प्लेट बाद में देगा बोला है। पहले पैर धुलाया, पैर धुलाने के बाद अभी यहाँ पे अगरबत्ती लगाएगा,